परम सत्कार योग खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है जी। मैं 3 डेली मॉर्निंग अखबारों का एडिटर इन चीफ हाँ और कई किताबों का मैं आथर। मैं आप जी के नाल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दे बारे बहुत जरूरी गल करनी सी। देखने चाह रहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दीयां चोणां दे विच प्रॉपर्टी डीलर जिहड़े ने बड़ी वड्डी गिणती दे विच इलैक्शन लड़ रहे ने। इन्हां चोणां दे विच दिल्ली का माहौल इस तरह का बन गया है जिस तरह कोई MLA का या कोई कारपोरेशन का MP का इलैक्शन होवे, जबकि यह गुरु घर की सेवा करन वास्ते मैंबर चुनने ने। जिहड़े बंदे चोणां लड़ रहे ने, तुसी दिल्ली दे हर वार्ड च देखोगे तुहानूं 10-12 बंदे मिलणगे जिहड़े गुरद्वारा इलैक्शन लड़ रहे ने। पर इन्हां दे विच 3-4 ऐसे बंदे ने जिहड़े लखां रुपए लगा रहे ने ते करोड़ां दे नज़दीक पहुँच गए ने। 5-5 हज़ार रुपया एक एक वोट की कीमत पै रही है। शराब दियां मीठ दियां पार्टियां चल रही ने। बंदे वह चोणां लड़ रहे ने जिन्हां नूं बाणी कंठ ही नहीं, जिहड़े शराबी ने। मैं पिछले दिनों विच कई बार कहा है कि भाई जिन्ने चोण लड़नी है वो सोशल मीडिया ते अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हस्पताल दा वो सोशल मीडिया ते पा देन, लोगों दिखा देन कि मैं शराब नहीं पींदा, मैं दारू नहीं पींदा, मैं कोई नशा नहीं करता। ते जे तुसी बाणी तुहानू आंदी है ते तुसी सोशल मीडिया ते फेसबुक ते आके जे तुहानू बाणी आंदी है, तुहानू बाणी कंठ है, ते तुसी संगत नूं सुनाओ। बंदे वो ने जिन्हां नूं गुरबाणी कंठ नहीं। बंदे वो चोणां लड़ रहे ने जिहड़े शराबी कुआबी ने। बंदे वो लड़ रहे ने जिन्हां नूं सिख इतिहास का पता ही नहीं। लोकां नूं गरीब लोकां दियां लिस्टां बना के, गरीब लोकां दियां लिस्टां बना के 5-5 हज़ार रुपए की वोट खरीद के गुरद्वारा कमेटी ते कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति करनी है, क्योंकि BJP और कांग्रेस की दलाली करनी है। सेवा करन वाले नूं की जरूरत पई है लखां करोड़ां रुपया लगाने की? जिन्हें गुरु घर की सेवा करनी है उसनूं वड्डे वड्डे होर्डिंग लगाने की की लोड़ है? कोई जरूरत नहीं। उन्हों इतना पैसा बाजार विच लुटाया जा रहा है सिर्फ गुरुद्वारा कमेटी का मैंबर बनने वास्ते। गल ए नहीं, गल असल विच है राजनीति दी। इस राजनीति दी बहुत जिहड़े वड्डे तागे ने वह कित्थे होर ने। पार्टियां बाहर बैठ के काम कर रही ने, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कब्जा करना है, सिखां दी सोच ते कब्जा करना है, सिखां दी बाणी ते बाणे ते कब्जा करना है, सिखां दे विच फुट पानी है, गुरुद्वारा कमेटी नूं काबज करना है, अपने हाथ च रखना है। जिहड़ा तुसी देखते हो, तुसी मैनूं एक गल मैं तुहाडे सामने रखना कि तुसी अपने इलाके दे विच देखो, अपने वार्ड च देखो कि जेड़ा बंदा चोण लड़ रहा है यह धार्मिक है, इसनूं गुरबाणी कंठ है, यह सेवा करता है, इसने कदी सेवा कीती है, यह दारू पींदा है, पैसा इतना लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? यह तुहानू सोचना होगा। तो मैं एक गल कह दूँ तुहानू,
ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ 30% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 30% ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਹਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੜੇ ਨੇ,
इसका प्रचार बड़ा है, इसकी चर्चा बड़ी है। यह पैरामीटर नहीं, यह थर्मामीटर नहीं। ईमानदार गुरसिख बाणी पढ़न वाले बंदे नू वोट पाना, जे तुहानू ऐसा बंदा नहीं दिखता वोट ना पाना, गुनाह ना करना, पाप ना करना, वोट ना पाना, क्योंकि वोट ते तुहानू गुरसिख नू पानी है। तुसी अपने वार्ड विच देखो कि तुहाडे वार्ड दे विच उम्मीदवार कितने ने और केड़ा केड़ा उम्मीदवार खड़ा है, केड़ा सच्चा सुच्चा है, केड़ा बाणी बाणे वाला है, केड़ा ईमानदार है, केड़ा लखा रुपये नहीं खर्च रहा, केड़ा वोटा नहीं खरीद रहा, केड़ा शराब मीट दियां पार्टियां नहीं दे रहा, केड़ा बोतला नहीं बन रहा। वो निमाणा सिख है, वह गुरु का सिख है, उसनू बाणी कंठ है। इस गल की तुसी चंगी तरह जांच करनी है, पता करना है, क्योंकि तुहाडा घर तो वड्डा गुरु का घर है, गुरु का घर तुहाडा घर है। अपने घर नू बचाण वास्ते तुहानू काम करना पेगा। दोस्ती यारी मित्रता नहीं निभानी, नहीं निभानी, तुहाडी वफादारी गुरु घर नाल होनी चाहिए, गुरु नानक साहब नाल होनी चाहिए, तुहाडी वफादारी गुरु घर नाल होनी चाहिए। सचे पातशाह कलगियां वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल होनी चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब नाल होनी चाहिए, शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव महाराज जी नाल होनी चाहिए। याद रखना, गुरु घर की सेवा तुसी भी करनी है वोट पा के, तुहाडी सेवा ईमानदारी की होनी चाहिए। किसी गलत बंदे नू, किसी शराबी गुआबी नू, किसी पैसे वाले बंदे दे प्रचार नू देख के वोटा ना पाना, गिफ्टा ना लेना, तोहफे ना लेना। ए गिफ्टां वंड रहे ने, तोहफे वंड रहे ने, किसी नू कैश दे रहे ने, किसी नू कुछ कर रहे ने, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी ते कब्जा करन वास्ते ये सारे पोलिटिकल पार्टियां दे दलाल एजेंट आ गए ने। मैं आप जी दे नाल फिर एक बारी वीडियो राही आप जी नाल संपर्क करांगा, और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म मेरा काम है, अखबारा मेरा काम है, और असी दिल्ली दे विच काफ़ी विचर रहे हैं और देख रहे हैं। जो जो चीज़ां असी देखांगे वो आप जी नाल सांझियां करांगे। साड़ी कमिटमेंट साड़े गुरु नाल है, साड़ी कमिटमेंट गुरु घर नाल है, असी गुरु नाल और गुरु घर दे नाल, असी गुरसिख नाल, असी ईमानदार अमृतधारी बाणी ते बाणे वाले जिसनू बाणी कंठ है, जेडे सेवादार ने उन्हां नाल, साडा वादा उन्हां नाल है। मैं उम्मीद करदा तुसी जरूर इन्हां गल्लां ते विचार करोगे और कोई गुनाह कोई पाप नहीं करोगे। गुरबाणी दे विच है, पापी पाप कमाउंदे करदे हाए हाए, महाराज सचे पातशाह साडे ते कृपा करन, असी ईमानदारी दे नाल गुरु घर की सेवा कर सकी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।